और ये देखिए मैं 56 सेक्टर फरीदाबाद में पहुंचा हूँ, नारसिंह स्टेडियम। यहाँ से मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। लुक इट हियर, सो मैनी क्रिकेटर्स आर प्लेइंग टू ग्राउंड हियर ऑन दिस ग्राउंड जस्ट ऑफ फरीदाबाद। वॉट शुड वी टेल अबाउट द क्रिकेट इन इंडिया? लुक इट हियर, सो वॉट अ पैशन। वाइल द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ बीन आउट इन सेमी फाइनल इन द वर्ल्ड कप, बट इवन दो सो नंबर ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इवन फुल क्रेजियस एंड फुल दे आर हैविंग द फुल पैशन। लुक इट हियर दे आर प्लेइंग। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में क्रिकेट का बुखार कम नहीं होने वाला है। और मैं आगे अपनी आज क्रिकेट सर्वे पे निकला हूँ, फरीदाबाद, दिल्ली और NCR के एरिया, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा को लेकर के, कि तमाम जो NCR एरिया है, कैपिटल ऑफ इंडिया के, उसके नज़दीक क्या है क्रिकेट में कहने का, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कहती है जनता। जबकि इंडिया की टीम पूरी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, करोड़ों रुपए लगा करके सरकार इस क्रिकेट को बढ़ावा देती है, क्रिकेट बढ़ा रही है, ऑलरेडी करोड़ों रुपए लग रहा है, बहुत सारे स्टेडियम है। इन कंपेरिजन यदि मैं और गेम को देखूँ तो बहुत का यहाँ पर स्टेडियम बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार या हमारी जो लोग हैं वो क्रिकेट की तरफ पूरी तरीके से कोई कमी नहीं आई है। और ये देखिए आप, एक ग्राउंड है जहाँ पर मैं देख रहा हूँ 56 सेक्टर में मेरे दोनों तरफ बिल्कुल टीम खेलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए आप, क्रिकेट में कोई भी कमी नहीं क्रेज़ में अभी भी। जबकि और ऐसे लग रहा था, कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, शायद कुछ क्रेज़ घटेगा, यूथ डाइवर्जन में आएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि पूरी तरीके से इवन जब मैं ग्राउंड में सर्वे कर रहा हूँ तो 45+50 तक एज के लोग मुझे मिल रहे हैं। तो क्या बोला जाए, क्या क्रिकेट के प्रति उनका फैशन पैशन बोला जाए, या अपनी फिटनेस को लेकर के वो क्रिकेट खेलते हैं, या एक इसको धार्मिक इश्यू बना दिया गया है, या क्रिकेट इतना फेमस हो चुका है कि शायद इसका क्रेज कम करना नामुमकिन है। जबकि मात्र इंडिया की मैं बात करूँ तो दो बार हमने वर्ल्ड कप जीते हैं, मात्र दो, 1983 और 2011 में, और अभी भी क्रेज ज्यों का त्यों बना हुआ। करोड़ों और लाखों लड़के अपने क्रिकेट में अपनी किस्मत को आजमाते हैं और मात्र 11 और 14 के लगभग प्लेयर जस्ट गेट अपॉर्चुनिटी वाइल्ड प्लेइंग फॉर द कंट्री। दे आर हैविंग द कैप ऑफ इंडियन कैप और दे आर लकी इनफ हु रियली गेट अ चांसेस फॉर द प्लेइंग वाइल्ड ऑफ द कंट्री। तो देखता हूँ, जरा पूछिए, कुछ लोग ये हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। यस सर, क्या नाम है आपका? कहाँ की टीम है आपकी? सेक्टर 56। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इतनी मेहनत के साथ क्रिकेट ग्राउंड खेलते हैं, तो क्या सोच के आप ही खेलते हैं, क्या क्रेज है आपका या क्या है? सर, क्रेज में थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं संडे। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत सारे बर्बाद ना करें हम क्रिकेट स्पोर्ट्स, बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं। और अब यहाँ पर मुझे 50 ईयर्स की एज के लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या इनके पीछे? सर, अपनी फिटिंग के ऊपर खेलते, फिटनेस सही रहती है, थोड़ा अच्छा रहता है। चलिए, अभी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या इसका असर पड़ेगा कि उस क्रिकेटर के ऊपर? हाँ, खेलना कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। राइट, क्या बोलना चाहेंगे आप इंडियन टीम को? बैट लगता पर अच्छा खेले वो। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट में कोई कमी नहीं आने रही? कुछ विशेषज्ञ लोग बोल रहे कि शायद क्रिकेट का क्रेज घट जाएगा। नो सर, सरकार कोई और गेम को बढ़ावा देगी? यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिकेट है और गेम नहीं, ऐसे क्या बोलेंगे आप सरकार को इस बारे में? सर, और चीज़ हम सपोर्ट नहीं करती सरकार, मेन मुद्दा ये है। राइट, यदि सपोर्ट करें तो शायद बढ़ावा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं यूथ क्रिकेटर की, कहीं ना कहीं जो संडे इधर उधर उलझना है, आप देख रहे हैं यूथ तो कई जगह पर डायवर्जन में, कई जगह अपने कैरियर को लेके चरस, गांजा, अफीम, कई जगह लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलती हैं, तो शायद ये उस चीज़ को भी बैरिकेड करता है और उनके कैरियर को बिल्डअप करने में मदद करता है। देखिए महेश बोगड़ा की आज क्रिकेट सर्वे पर मेरी खास रिपोर्ट, दिल्ली NCR एरिया में मैं चल रहा हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये देखिए आप, और मैं अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज राइट तरफ जो क्रिकेट टीम खेल रही है, देखिए बाईं तरफ उनकी गाड़ियाँ लगी, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से संडे बिताने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए इवन वो क्रिकेट खेलते हुए और बहुत सीरियसली क्रिकेट मामले की इश्यू लेकर के। यस सर, क्या नाम है सर आपका? दीपक। आपकी टीम का नाम क्या है साहब? स्टार 11। कहाँ से आए हैं आप? डबा कॉलोनी, फरीदाबाद। ये दूसरी जो टीम खेल रही है वो कहाँ से आ रखी है? MD क्लब। आप देख रहे हैं इंडिया में अभी इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बाहर हुई है, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? फिर भी क्रेज कम नहीं हुआ इंडिया में, क्या बोलना चाहेंगे? बैड लक। अच्छा, बैड लक है, कोई टीम में कोई कमी नहीं? कोई कमी कुछ नहीं, बस धोनी को। अच्छा, क्या क्रिकेट का इसमें कुछ लग रहा है कुछ कम हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में बाहर होने से, क्या बोलना चाहेंगे? कम नहीं होगा। अच्छा, आप क्रिकेट लेकर के खेल रहे, मेरे ख्याल से 40 अराउंड एज है आपकी जो भी है, तो आप क्रिकेट खेलती, क्या वजह है इसके पीछे? आप फिटनेस के लिए खेलती हैं या
अपने पैशन के लिए खेलती है, अपने शौक के लिए खेलती है, या प्लस क्या है? फिटनेस के लिए, एंजॉय के लिए। चलिए, यूथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? खेलना चाहिए, फिटनेस बनी रहती है, मिलने जुलने से यार दोस्ती बनी रहती है। राइट, इसके अलावा जो आज के यूथ देख रहे हैं आप ड्रग्स की अफीम इस नशे मुक्ति में पड़ रहे हैं, उससे बचने का भी बहुत अच्छा तरीका माना जा सकता है। राइट, वेरी गुड। और अभी अभी देख रहे हैं कि सरकार को क्या बोलेंगे आप? सरकार और गेम्स की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्रिकेट कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? नहीं दे रही है ऐसी कोई बात। चलिए, उम्मीद है कि हम और गेम में बढ़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये देखिए अपने फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तमाम थैंक यू वेरी मच फोटवाइन जी। और ये देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी मुहिम आज क्रिकेट सर्वे पर। मेरी खास रिपोर्ट फरीदाबाद NCR, दिल्ली से सटा हुआ जो भी एरिया है, आज मैं वहाँ पर सर्वे कर रहा हूँ अपने क्रिकेट को लेकर कि क्या कहना है लोगों का, जो क्रिकेट खेलते हैं वास्तविक ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनका क्या नज़रिया है। जबकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि क्रिकेट में बदलाव आएगा हिंदुस्तान में, ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है। ये देखिए मैं इस बोल खास रिपोर्ट।